नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टीवी इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शारदा नदी का कटान जारी है और लगातार ये कई दिनों से शारदा नदी का कटान जारी है। और आज आप देख पा रहे हो कि हम इस समय नया पुरवा जो करसौर ग्राम पंचायत लगती है उसका मंजरा नया पुरवा लगता है। आज नया पुरवा गाँव में उपस्थित हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरह से लगातार शारदा नदी आज कई दिनों से कटान कर रही है और कई दिनों से यहाँ पे लगातार बाढ़ भी रही, और उसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन के द्वारा क्या क्या इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या क्या इन लोगों को व्यवस्थाएं दी गई हैं आज तक, और इन जो गरीब मजदूर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके जो घर थे वो चले गए, इनकी जो फसलें थी वो भी शारदा नदी में समा गई, और इनकी कईयों एकड़ ज़मीनें जो थी वो शारदा नदी के अंदर समाती चली जा रही हैं, और लगातार इनके जो घर हैं वो भी लगातार समाते नदी में जा रहे हैं। तो आइए हम इन ग्रामीणों से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि अब तक यहाँ पे कितने अधिकारी आए और इन लोगों को क्या क्या राहत के लिए क्या क्या दिया गया और क्या क्या नहीं दिया गया, क्या क्या आश्वासन इनको दिया गया कि हम जब इनके घर चले जाएंगे तो इनके रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे क्या उपलब्ध कराए जाएंगे, और इनके खाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आज तक क्या क्या इनको अभी तक मिला है। तो पहले दादा नाम बताइएगा। मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ भैया। कहाँ रहते हैं? नयापुरा। अच्छा, नयापुरा मजरा करसौर। अच्छा, हमारे यहाँ शारदा नदी का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है और हमारे घर जो सब कट रहे हैं, और तहसीलदार डीएम सीएम जो है एक बार आए हैं, तहसीलदार सीएम, बाकी दोबारा कोई नहीं आया। लेखपाल एक दो चक्कर आए हैं, कोई 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 बढ़िया जो कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कटान को देखते हुए कोई राहत, यहाँ पे कोई राहत बचाव कुछ किया गया? कुछ राहत बचाव का भैया कुछ नहीं बचाव किया गया है। एक दो बार फूडी उड़ी आई है, वहाँ बंदा प्रसाद चली गई हैं, यहाँ गांव तक का कोई नहीं आया है। अच्छा, हाँ, और जो है एक दो बार जो है वहाँ रूरा में किटे बट्टी है, मान लिया तो कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले हैं। हाँ, बाकी ऊंचे पर ज़्यादा लोगों मिल गई हैं। हाँ, और यहाँ कोई सुविधा नहीं, हम लोग परेशान, पानी में डूब रहे हैं, घर और बच्चे सब परेशान हैं, तो इसका जो है कोई उपाय सर किया जाए। अच्छा, ये बताओ इस गांव में कितने परिवार रहते थे लमसम? इस गांव में 56-57 परिवार रहते थे। अच्छा अच्छा, हाँ। आज कितने घर बचे होंगे? आज घर कटने से 40-45 घर बचे हैं। अब इस समय तो 20-25 घर बचे हैं कटने को। 20-25, हाँ, बाकी 10-15 घर कट चुके हैं अभी। अच्छा अच्छा, कल परसों में। अच्छा, कल परसों में 15 घर कट जा चुके हैं शारदा नदी में। अच्छा, यहाँ पे जो जमीनें थी आप लोगों की, जो जमीनें थी वो शारदा नदी में चली गई, उनके लिए सरकार के द्वारा क्या बताया गया? सरकार के लिए कोई नहीं, उसे जो है फसल नुकसान के लिए 1000-2000 रुपए बीघा पर एकड़ पर दे देते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं। यहाँ कट गई पूरी जमीनें चली गई, उसका 2-4-10 हज़ार रुपए तक आज कुछ नहीं दिया है। अच्छा, जो घर कट रहे हैं, जब घर आप लोगों के कट जाएंगे फिर आप लोग कहाँ रहेंगे? हमारे लिए कोई रहने कोई कहीं जगह ही नहीं है। अगर सरकार कहीं देती है तो रहेंगे, और बाकी यहाँ कोई जगह रहने की नहीं है। वहाँ ऊँचे गाँव में भाग जाएंगे, सड़क के किनारे भाग जाएंगे, वहाँ कब तक मरे डर कर रहेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ। तो अच्छा, अभी तक ये नहीं कहा गया कि आप लोगों जिन लोगों के घर कट गए हैं उनके रहने के लिए कहीं पे जमीन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये कहा किसी ने या नहीं कहा अभी तक? ये कहा भी नहीं है, और एक दो बार कहते हैं कि वहाँ चलो मूड़ा कहीं, वहाँ चलो लखीमपुर कहीं कहीं, लेकिन कोई निश्चित जगह नहीं किया कि हाँ वहाँ चलो, तो सब लोग वहाँ निश्चित, अभी निश्चित कोई नहीं हुआ है। अच्छा, ये मकान जो तोड़ तोड़ के अपनी ईंटा ले जा रहे हैं, ये कहाँ डालते होंगे? ये भैया कहीं किसी के द्वारे ऊँचे पर, किसी गाँव के घर, कहीं सड़क के किनारे, आप कहीं बंधा पर, डरते हैं भैया, बच गए तो बच गए, वो भी कोई चोर ले गए, ये है। लगातार कटान जारी है, ये कितने दिनों से कटान चल रहा है? ये आज 15 दिन से चल रहा है बराबर, बहुत तेज। 15 दिन के अंदर कोई प्रशासन का आदमी यहाँ पे उपस्थित हुआ? एक बार लेखपाल आया है बस, एक बार सीएम आए बस, बस और कोई यहाँ नहीं है 15 दिन में एक बस। हाँ, अब आज जो तत्काल काम जब बहुत तेजी से कटान हो रहा है, तब तक डीएम न सीएम कोई न आ रहे हैं, न लेखपाल आए रहे हैं। तो इसलिए जो है ऐसी मुसीबत में अगर जो है शासन नहीं साथ देगा तो हम लोग पब्लिक जिक्र कहाँ रहेंगे, बताओ। अच्छा, विधायक जी यहाँ पे आए एक कई? हाँ, अभी विधायक जी एक बार आए हैं तो बंधा पर छा कर चले गए, एक बार गांव आए हैं बस। अच्छा, गांव हाँ, आए हैं एक बार। जबकि दूसरे दिन आप पब्लिक डूब रहे, घर कट रहे हैं तो आना चाहिए था। अच्छा, आप लोगों को खाने पीने की कैसे क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हो पाती हैं? फिर खाने पीने की वहाँ पूजा गांव में जो है कैंप लगे हैं, तो वहाँ जो है जो ऊंचे पर गांव जो चले गए तो ले आए एक दो पूरी। अच्छा, बाकी यहाँ कोई नहीं है। पूजा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर, हाँ। वहाँ पहले आप लोग जाते हैं खाना लेने, उसके बाद में तब यहाँ खाना? हाँ, तो अब कोई जा ही नहीं पाओ, खाना चला जाता है। अच्छा,
ये किसके द्वारा किया जा रहा खाने का? ये ब्लॉक द्वारा है, इस टीम द्वारा। अच्छा अच्छा, तो ये है सब आप देख सकते हैं। इनके द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पे 15 दिन से लमसम शारदा नदी का कटान चल रहा है और लगातार यहाँ पे प्रशासन को देखना चाहिए, लेकिन आज तक यहाँ पे मात्र एक दो ही बार यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी आए, और उसके बाद में जब यहाँ पे शारदा नदी का इस तरह से कहर ढाते नज़र आ रही है और लगातार इनके जो घर हैं वो इसी शारदा नदी में समाते जा रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि जिन लोगों के घर बने थे वो तोड़ रहे हैं, अपने अपने घर तोड़ रहे हैं, अपने छप्पर मकान जो भी हैं वो तोड़ के ऊंचे पे ले जा रहे हैं, जहाँ पे इनका हो सकता है जैसे जब इनके मकान पूरे के पूरे शारदा नदी में चले जाएंगे, उसी को देखते हुए इनकी हो सके तो ईंटा ही बच जाए वही बहुत है, और इनकी सारी की सारी ज़मीनें थी वो इसी शारदा नदी में समा गई, और इनके पास अब रहने के लिए और इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही इनके खाने के लिए कोई अनाज बचा है, इनकी जो फसलें थी वो भी इसी शारदा नदी में समा गई, इनके घर भी शारदा नदी में समाते चले जा रहे हैं। तो आप बने रहिए, हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से शारदा नदी के अंदर इन गरीब मजदूरों के घर समाते जा रहे हैं। शारदा नदी का कहर झेलता नया पुरवा गांव, जी हाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कागजों पर ही सीमित रह गया नया पुरवा गांव, और धरातल पर नया पुरवा गांव का अस्तित्व ही समाप्त होता नजर आ रहा है। वो आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से शारदा नदी ने कहर ढाया है नया पुरवा गांव पर, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि गरीब मजदूर लोगों के घर शारदा नदी में लगातार समाते चले जा रहे हैं, और गरीब मजदूर लोग प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शारदा नदी इस तरह से कहर ढाती है कि लगातार उनके घर और उनके फसलें जितनी भी थी वो शारदा नदी में समा गई, और ग्रामीणों की जितनी भी ज़मीनें थीं वो भी शारदा नदी में लगातार समाती जा रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं कि किस तरह से शारदा नदी के अंदर नया पुरवा गांव समाता चला जा रहा, और प्रशासन के द्वारा कोई ना ही व्यवस्था की गई जिससे नया पुरवा गांव बच सके। तो आप देख पा रहे होंगे कि नया पुरवा गांव का अस्तित्व ही समाप्त होता नज़र आ रहा है, लिखित में रह जाएगा नया पुरवा गांव, लेकिन धरातल पर नया पुरवा गांव समाप्त होता नज़र आ रहा है। मात्र 4-5 ही घर बचे होंगे नया पुरवा गांव में, और लगातार शारदा नदी ने पूरे गांव को अपने आगोश में समा लिया है। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया पुरवा गांव के ग्रामीण दर बदर इधर उधर भटकते नज़र आ रहे हैं और अपने घर से बेघर होते नज़र आ रहे हैं। अब नए पुरवा गांव के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि हम लोगों को प्रशासन की तरफ से अगर जो ज़मीन मिलेगी तो वहां घर बना के रहेंगे, लेकिन जब तक प्रशासन के द्वारा कोई भी ज़मीन नहीं मिल पाती तब तक हम लोग कहीं ना कहीं रोडों पे अपना घर बनाकर अपना आशियाना बनाकर वहां पे रहेंगे और अपना जीवन काटेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना जीवन काटेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, और खेत में जब ज़मीन ही नहीं बची तो खेतों में फसलें कहाँ से होंगी, और सारी की सारी ज़मीनें शारदा नदी में समा गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया पुरवा गांव रोड पर रहने के लिए दर बदर होता नज़र आ रहा है, और किस तरह से शारदा नदी ने कहर ढाया नया पुरवा गांव। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि नया पुरवा गांव किस तरह से लगातार शारदा नदी के अंदर समाता जा रहा है, वो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।